इन मैडम को इनका बॉयफ्रेंड 5-स्टार होटल में स्विमिंग पूल में लंच कराने लेकर के आता है। इतनी खातिरदारी देखकर पापा की परी तो पागल हो जाती है। गई। करवाली बेइज्जती। अच्छा, हम सब के स्कूल में लंच के वक्त एक ना एक दोस्त ऐसा जरूर होता है। अरे बंटा, भूख लग रही है यार, चलना कुछ खिलाना यार। भाई भाई, मेरे को मत बोल भाई, ये देख मेरे अकाउंट में 80 रुपए पड़े हैं। 80 रुपए कल देखो, मालूम है एक गरीब आंटी बैठी थी रास्ते में, उनसे मैं वड़ा पाव टुकड़ा मांग के गया, उन्होंने मेरी शक्ल देख के दे दिए। नंबर 14, बिल्लियों में CID के दया की आत्मा घुस जाए तो जानते हो कैसे वीडियोस निकल कर सामने आते हैं? ऐसे। साले रिश्वत खाका के पैसा कमाया है, साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा। भाई दूसरी बार इसकी गलती नहीं थी। सही बात, उसी को थप्पड़ पड़ रहा। कौन? नंबर 13, और यहाँ इस डॉग भाई में इस लड़के की मर चुकी गर्लफ्रेंड की आत्मा घुस जाती है। अबे साले। ओह, हाउ क्यूट। ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले, ओके। ओह, हेय। नंबर 12, और यहाँ ये भालू भाई खजाना समझ के कचरा गाड़ियाँ ही चुरा के ले जा रहे हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, भाई उसमें तेरे काम का कुछ भी नहीं है, मत कर, नगर पालिका वालों का खजाना है वो। अच्छा, लामा और हमारे यूपी बिहार के लोगों में एक सिमिलैरिटी काफी गजब की पाई जाती है, जानते हो कौन सी? थूकने के। नंबर 11, दो बिल्लियों को इतनी तमीज से खाने के लिए कभी लड़ते देखा है? मेरे को दो। क्या दिख रहा है? चल चल चल, निकल यहाँ से। बहुत देख लिया हमारे रोज के जानवरों को दंगे करते हुए, अब जरा जंगली खरगोश कैसे लड़ते हैं वो देखो। अबे क्या कर रहा है? बहुत बकवास कर रहा है, ऐसा लग रहा है छोटे छोटे कंगारू लड़ रहे हैं। नंबर 10, भाई लोग, आप लोग समंदर में मछली पकड़ना जितना आसान समझते हो ना, उतना आसान होता नहीं है। यहाँ भी कुछ लोगों की बहुत गुंडागर्दी चलती है। अरे साले, गाड़ी लगा शहर में। क्या रे भीख मंगिया, क्या दिख रहा है? नंबर 9, और यहाँ पर ये सब वोटर पार्टी मिलकर इस उरान गुटान का जीना हराम किए हुए हैं। मलाइका मैम, मलाइका मैम, साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। पकड़ लिया ना तो चीर देगा। मुझे भी लड़कियाँ ऐसे ही भगा देती थी जब मैं उनको अप्रोच करता था। इधर पर ये बिलोटा मस्त ब्रेड के पकने का इंतजार कर रहा है। यहाँ ये डॉग भाई आए तो मछली चुराने थे, परंतु गलती से इनने एक ईल को पकड़ लिया। अब ये कौन है बे? तेरा तो गेम बचाना। करंट लग गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। खैर, डॉग भाई एकदम सेफ है। नंबर 7, अच्छा ये बताओ, गिलहरी और मोर की लड़ाई पहले कभी देखी है? No. और क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतता होगा? गिलहरी काफी फुर्तीली होती है, बट अगर बेमतलब काम में हाथ बटाने का उदाहरण देना हो तो इस डॉग भाई को देख लो। नंबर 6, यहाँ ये बौना हाथी भाई को फुटबॉल सिखा रहा है। भाई तुम लोग हाथी भाई लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट काहे कर लेते हो? नंबर 5, यारो आप लोग ही नहीं हो जो होली वगैरह में अपने दोस्तों के कपड़े फाड़ देते हो, जरा हॉर्स भाई को देखो कैसा है, और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को सीने बता दे, साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा। नंबर 4, एक बात समझ में नहीं आती कि ये पापा की परियों को सभी जानवर कूटते पीटते काहे को रहते हैं। ओए, मेरी फोटो क्यों खींची? और यहाँ ये बंदा बंदर भाई को मैजिक दिखा रहा है। चलो तो फिर दूसरे बंदर भाई को भी दिखाते हैं।
Whoa! He's so shocked. भाई साहब कमाल है। नंबर 3, देखो तो कितने मजे ले रहे हो हाथियों की वीडियोस का। चलो तो फिर एक और देख लो। वो खा गया। नंबर 2, यहाँ ये आदमी इतनी धूप में ठेके की ओर कुछ खुशी के पल ढूंढने जा रहा था। अब इसको क्या पता था कि पीछे से बंदर भाई पूरा खुशियों का ठेला लेकर के आ रहे हैं। छाती फोड़ रहे। और यहाँ ये तोता भाई इस चूहे को आर्मी ज्वाइन करवाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। उसकी हालत खराब कर दे। नंबर 1, एक तो ये गर्मियों में ना ढंग की सब्जियां नहीं आती, ऐसी जिंदगी हो गई है। इसलिए भाई लोग वीडियो को लाइक